दोस्तों, हमारे बीच MIM का जो सदर बिहार है उसकी लड़ाई हमारे साथ है और उसकी मदद में MIM के जो बानी है मवैसी साहब, उसको मैं अवैसी नहीं बोलता हूँ, मवैसी साहब वो यहाँ चरने आए हैं और वो हमारे हर पंचायत में हेलीकॉप्टर उतारता है और पैसे की बारिश करता है। और इसकी शिकायत मैं प्रशासन से भी किया, न जाने प्रशासन टल्ली मार देते हैं, लेकिन दोस्तों वो अपने बीच में एक बात बोलता है कि लोकसभा में वो हमें हराया है, मैं जीतू या न जीतू मस्तान को मैं हराने आया हूं। और वो ये भी बोलता है कि मैं यहां जंगल राज बना दूंगा। जो लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं बोलेंगे मैं उसका बाजू तोड़ दूंगा, इस तरह का भी वो भाषण जहां तहां देता है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि मवैसी साहब की टांगे टूट तो गई है, उसकी कब्र भी और वो बेनकाब हो जाएंगे, उसकी जो हैकरी थी हम अमोर वाले मिलकर तोड़ देंगे, ये मेरा आपको मैं यकीन दिला। दोस्तों, वो बिल नहीं हुआ, वो अपने को बैरिस्टर बोलते हैं, क्या किसी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कभी वो बस क्या हमारे मज्जत माफ जनाब राहुल जी भी बिल तोड़े थे, क्यों तोड़े थे? कर्ज माफी की जब बात आई तो सब बड़े किसानों को उसमें नहीं जोड़ा गया था, इसलिए वो बिल तोड़े और बड़े किसानों को भी लोन माफ करने का बिल लाया। अवैसी तुम क्या लाए बता दो, तुम बकवास करते हो, बिल तोड़ दिया, मुसलमानों को बहकाते हो, क्या वो तीन तलाक का बिल पास नहीं हुआ? तुम कहां चले गए थे जब वोटिंग हो रहा था, तुम कहां थे? उससे सवाल पूछिए। वो अपने भाषण में बोलता है मैं तेजी हूं, मैं मुसलमानों का दोस्त हूं, मैं मुसलमानों की भलाई और उसके विकास के लिए मैं काम करूंगा, और तुम बिल पास हुआ कि नहीं हुआ तुम बताओ। राहुल जी जो बिल तोड़े वो बिल लाए कि नहीं? किसान पूरे हिंदुस्तान के किसानों का बिल माफ हुआ कि नहीं हुआ? वो भाषण देता है, वो चरने आया है यहाँ, वो चरागा यहाँ नहीं है, उसके दांत को तोड़कर उसको हैदराबाद भेज दूंगा, चाहे वो लाख बरसात दे, लाख बरसात दे पैसे का, हमारे लोग बिकने वाले नहीं है। हाँ, कुछ लोग बिकते हैं, वो हर जमाने में लोग बिका है, कुछ लोग बिकते हैं, लेकिन हम लोग ये तय कर लिया है कि उसकी कमर और दांत तोड़ करके मवैसी को हैदराबाद भेज दूंगा, इन शब्दों के साथ।